हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जायकेदार खाना। आज मैं आपके साथ भुना चिकन मसाला की रेसिपी शेयर करूंगी। जिस तरह से आज मैं चिकन बनाऊंगी, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है और इसको इजीली हम बना भी सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक केजी चिकन लिया है, हाफ टी स्पून नमक है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, हाफ नींबू, इसका मैंने रस निकाल लिया है। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करूंगी। इसमें सारे मसाले डाल देती हूँ, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, नींबू का रस डाल दूंगी। अब इन मसालों को मैं चिकन में पूरी तरह मिक्स कर लूंगी। सारे मसाले मैंने पूरी तरह मिक्स कर लिए हैं। अब इस चिकन को मैं आधा घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखूंगी, जिससे कि ये पूरी तरह मैरिनेट हो जाएगा। चिकन को मैंने मैरिनेट होने के लिए रख दिया है। अब ग्रेवी के लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। दो मीडियम साइज की प्याज थी, इनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज, 15 से 16 लहसुन की कलियां हैं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा इसके पीस कर लिए हैं, और 2 हरी मिर्ची इनको भी मैंने काट लिया है। इन चारों को मैं पेस्ट बनाऊंगी। 3 टेबलस्पून दही है, दही एकदम फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही ना ले। 2 टमाटर है, इनको भी मैंने काट लिया है। 2 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है। लाल मिर्च पाउडर हम अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज किया है। खड़े मसाले हैं, 3 तेज पत्ते लिए हैं मैंने, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग और 4-5 काली मिर्ची, 3 लाल मिर्च हैं, 1/2 टीस्पून नमक है। नमक हम अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 4 सर्विंग स्पून ऑयल है, थोड़ी सी धनिया पत्ती गार्निश के लिए, 1/2 टीस्पून सूखे हुए धनिया है, 1/2 टीस्पून जीरा है, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून खसखस है, 1/2 टीस्पून सूखा नारियल था इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 3 पीस स्टार फूल के हैं, 2 दालचीनी, 3 लौंग और 5-6 काली मिर्च है। इन सबको रोस्ट करके इनका भी मैं दरदरा पाउडर तैयार करूंगी। सबसे पहले इन मसालों को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। गैस ऑन करके उसमें मैंने कढ़ाई रख दिया है। जो भी बर्तन हमारे पास हो उसमें हम इस चिकन को बना सकते हैं। अब इस कढ़ाई में मैं सारे सूखे मसाले डाल देती हूँ, नारियल को छोड़कर। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूंगी और मीडियम फ्लेम पे ही इनको हल्का हल्का रोस्ट करूंगी। मसालों को हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसमें जो नारियल डाल देती हूँ, नारियल को पहले नहीं डालना है क्योंकि नारियल बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। अब इस नारियल को मैं 1 मिनट और इन मसालों के साथ रोस्ट कर लूंगी। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और इनको निकाल लूंगी। मसाले मैंने निकाल लिए हैं, अब इनको ठंडा करूंगी। इसके बाद इसको ग्राइंडर जार में पीस के इसका पाउडर बनाऊंगी। गैस को मैंने फिर से ऑन कर लिया है। अब इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। इस तेल को पूरी तरह गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ये खड़े मसाले डाल देती हूँ। कुछ सेकेंड इनको फ्राई करूंगी। इसके बाद इसमें प्याज डाल देती हूँ। प्याज को लगातार चलाते हुए हल्का लाइट ब्राउन करना है। प्याज हल्की लाइट ब्राउन हो चुकी है, अब इसमें मैं ये चिकन डालूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम कर लूंगी और इस चिकन को 5 मिनट तक मैं प्याज के साथ फ्राई करूंगी। फ्राई करते समय इसको बीच बीच में चलाते रहूंगी। 4-5 मिनट चिकन को भूनने के बाद इसमें हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी डाल के बाकी का लगा हुआ मसाला भी मैं जार में से निकाल लूंगी। अब इन मसालों को मैं चलाते हुए 10 मिनट तक भूनूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। 10 मिनट मसालों को भूनने के बाद अब इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर मैंने चिकन को मैरिनेट करने में डाला था, इसलिए यहाँ पर मैं हल्दी पाउडर अब नहीं डाल रही हूँ। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब इस चिकन को मैं मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट और भूनूंगी। मसालों को बीच बीच में चलाती रहूंगी जिससे ये मसाले चिपकेंगे नहीं। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। सारे मसाले पूरी तरह भून चुके हैं, अब इसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ। इन टमाटरों को भी मसालों में मिक्स कर लूंगी और टमाटर गलने तक मसालों को और भून लूंगी मैं। 5 मिनट लगेंगे, इसी समय मैं इसमें ये नमक भी डाल देती हूँ। टमाटर भूनने के बाद अब इसमें मैं दही डालूंगी।
अब दही को 5 मिनट और इन मसालों के साथ भूनूंगी। इस चिकन को सारे मसालों के साथ मैंने 30 से 35 मिनट भूंजा है। चिकन लगभग लगभग पक चुका है और इसमें मैं ये रोस्ट किया हुआ मसाला डाल देती हूँ। इस मसाले के डालने से चिकन का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। इस मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं गैस की फ्लेम को लो कर देती हूँ और इसको कवर करके चिकन गलने तक पकाऊंगी। 6-7 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, क्योंकि चिकन मसालों के साथ भूनते भूनते आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब इसको मैं कवर कर देती हूँ। चिकन भी पूरी तरह से पक चुका है। अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इसको पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल दूँगी। धनिया पत्ती को भी मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, चिकन भुना मसाला बन चुका है। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं की जाती है। अगर इसको हम इस तरह से बनाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी चिकन बनता है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।